जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम जो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत ही यूनिक टॉपिकों पर हम हमेशा वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको हमेशा अच्छी वीडियो मिलती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सच्चा प्यार कब मिलेगा। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत से व्यूअर्स हमें कमेंट्स करते हैं, बहुत से जातक हमें पूछते हैं कि पंडित जी कैसे, कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा, कैसे मिलेगा, इनके पीछे कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों पूरे आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको मुझे यकीन है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों जो प्यार और विवाह है, देखिए प्यार और विवाह दोनों के जो भी मसले होते हैं वो शुक्र से पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बृहस्पति से देखे जाते हैं। अगर आपका शुक्र नीच का है या बृहस्पति नीच का है तो तब जाके व्यक्ति की शादी में तकलीफें बढ़ जाती है, तकलीफें बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिएगा कि आपका नीच का शुक्र है और अभी तत्काल वर्तमान समय में यदि उच्च का शुक्र चल रहा है, तो उन कंडीशनों में यदि व्यक्ति विवाह करता है, उन कंडीशनों में यदि व्यक्ति जीवन में सेटल डाउन होता है, तो नीच के शुक्र के जो प्रभाव है वो कहीं हद तक आंशिक होते ज़रूर है, लेकिन कहीं हद तक कम हो जाते हैं। ये भी एक हमने बात देखी है। दूसरा, महिलाओं के लिए सेम यही है कि जब बृहस्पति उच्च के होते हैं और अगर उस में उस तत्काल ग्रहों की गणना में यदि विवाह किया जाता है तो भी उन्हें इससे बच जाते हैं। अब रही बात कि सच्चा प्यार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या पूरा क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स ये होता है दोस्तों कि यदि ग्रहों की चाल, जैसे ही शुक्र, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले भी शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ आए 17 दिन, तो इसमें दो कंडीशन होगा कि जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था विवाह के योग बने, और जिन जातकों का जीवन बहुत सामान्य चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो उनमें लड़ाई झगड़े होकर बिल्कुल जीवन पटरी से उतर गया है, तो वैचारिक मतभेद हो गया है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब आप जो प्रेम प्रसंग या विवाह बहुत सही चल रहा था वो एकदम से उसमें भारी बदलाव आ जाता है, और वहीं विपरीत जिनका जीवन सब कुछ सामान्य था, मतलब जिनका विवाह नहीं हो रहा था और बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, औचक रूप से बात बन गई और शादी हो गई। तो ये जो दोनों कंडीशन है जो पैरेलल चलती है, वो दोनों में आपको कहना चाहता हूँ कि शुक्र और बृहस्पति दोनों पर ही इसका दारोमदार है। तो इन दोनों ग्रहों को अगर आप महिला पुरुष दोनों हैं, तो देखिए आप इन दोनों ग्रहों को वेल सेटअप रखना है। वेल सेटअप रखने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष, शुक्रवार के दिन आप भोलेनाथ को इत्र चढ़ाइएगा, अपने दांतों की सफाई रखिएगा और याद रखिए कि किन्नरों को हमेशा कुछ न कुछ दान करते रहिएगा। ये बहुत ही बेसिक है, अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करते हैं ना दोस्तों, आपको बहुत जल्द इसका फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद अगर महिला है और बृहस्पति को, तो बाबा भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाए, पुरुष भी चढ़ाए, बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुवार का जो व्रत है वो कंटिन्यू करें, सात्विक रहें, मांस जब मांस का सेवन ना करें, ना ही अंडों का सेवन करें, और हो सके तो जीव हत्या जितनी भी हो सके, चींटी भी मारना जीव हत्या की श्रेणी में आता है, तो इन चीज़ों से जितना बच के रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमेशा अब शब्दों का प्रयोग नहीं करें, जाने अनजाने में किसी का दिल ना दुखाएं, इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। तो कंटिन्यू आप करें, 15, 20, 30 दिन तक करेंगे तो आपको ज़रूर सच्चा प्यार मिलेगा और आपका बृहस्पति या गुरु दोनों मजबूत होंगे, तो दोस्तों जो प्रभाव आपको जीवन में दिखेगा ना, वो उसका कोई भी तोड़ नहीं है मेरे पास। इसके अलावा दोस्तों एक आखिरी उपाय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दोस्तों आप कंटिन्यू ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जिन भी देवी देवताओं पे आपको पूर्ण श्रद्धा यकीन है उनके गुरु मंत्र का, उनके मंत्र का जाप आप करते रहिएगा। आप जब मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो आप दोस्तों में यकीन मानिएगा 11 से 21 दिनों के बीच में ही आपका मन शांत होगा, आपकी जितनी भी परेशानी उनका हल आपको मिलेगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।